पंडित पुरवा की फूल कुमारी उर्फ जूली पेड़ों पर चढ़कर मटके को बांधती हैं और अपने दांतों में पानी की बाल्टी उठाकर पेड़ों पर टंगे मटके में पानी भर देती हैं, जिससे पक्षियों की इस भीषण गर्मी में उनकी प्यास बुझ सके। जूली की इस मुहिम में काफी लड़कियां भी शामिल हो गई हैं। यह लड़कियां जहां जहां मटके बांधती हैं वहां के लोगों को प्रतिदिन मटकों में पानी भरने की जिम्मेदारी दे देती हैं और लोग साहस इस जिम्मेदारी को निभाने का बीड़ा उठा लेते हैं। जूली अब तक 22 गाँव में इस अभियान को पहुँचा चुकी है। जब गाँव के लोग जूली को दांतों में बाल्टी लेकर ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं तो दिल से उसे आशीर्वाद देते हैं और इसके महान कार्य से प्रेरित होते हैं। इसी वजह से जूली कहती है, मुझे विश्वास है इस मुहिम का असर जरूर होगा। गांव के ही रामाचल ने बताया कि जूली का यह काम सराहनीय काम है, जिसको भी मौका मिलता है वही घड़े में पानी डाल देता है। टीवी वन इंडिया न्यूज की टीम जूली के इस सुखदाई महान कार्य की सराहना करती है। मेरा नाम फूल कुमारी पांडे और जूली पांडे पक्षी संरक्षण का काम करते हैं और ये काम हम 2015 से ही कर रहे हैं। जैसे कि जब भयानक गर्मी होती है और गर्मियों में सारे पेड़ मतलब जो गड्ढे होते हैं वो सूख जाते हैं, तालाब होते हैं वो सूख जाते हैं, इसीलिए हम लोग मतलब पेड़ पे चढ़ के मटका बांधते हैं। फिर मतलब 5 लीटर के हम लोग के साथ बाल्टी होती है, उस बाल्टी को हम लोग दांत से पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं और उस पर ही में हम लोग पानी डाल देते हैं, जिससे कि जब कोई पेड़ जो उस पेड़ पे कोई पक्षी बैठे तो वो पानी पी सके। इसीलिए हम लोग मतलब एक आत्मसंतुष्टि के लिए और पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए काम करते हैं। राम बचाल मटका बंधा है पानी रोड लड़की डावत थी, अब लड़के कुल डावत थी 5-7 है, नाम तो अनुभव ना जा नहीं सकते। अरे पानी पिए चिड़े चिड़ू डालता है। अरे हम डाल दी थे, हमारे घर हुए तब। हाँ सब गांव डाल थी और बल्कि जेकर घर है तेहूस कह जाते कि तू हूँ डाल दी हो। हाँ बहुत अच्छा काम है, अब ऐसे निकाल का। टीवी इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा। जनपद सीतापुर क्षेत्र के रामपुर मथुरा का जायजा लेते हुए मारू बहन व चारारी घाट बाबा निर्मल दास पुरवा मेवड़ी चौराहा पर आज चिलचिलाती धूप व आग उगलती गर्मी में अचानक सेवता विधायक ज्ञान तिवारी पहुंचे। विधायक ज्ञान तिवारी को अचानक देख ठेकेदारों को देख रेख करने वालों के हाथ पांव फूल गए। बताते चले कि इस गांजरी क्षेत्र में हर साल सैकड़ों गाँव नदी में समा जाते थे तथा हजारों बीघा जमीन नदी में बाढ़ की वजह से जल विलीन हो जाते थे तथा कई लोगों की मौतें भी होती रहती थी और कई जानवर इस बाढ़ की चपेट में आने से काल के गाल में समा जाते थे। बाढ़ को रोकथाम के लिए बांध बनवाने के लिए विधायक ज्ञान तिवारी ने कड़ी मेहनत की। बाढ़ क्षेत्र में नावों के द्वारा लोगों से मिले, उनके दुख दर्द को समझा तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गांजरी क्षेत्र में बुलाकर जनता की आवाज को सुनाई व दिखाई तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 11 करोड़ रुपए बांध बनवाने के लिए स्वीकृत कराकर बांध बनवाने का काम किया। जहां पर जनता के द्वारा मानक विहीन काम मालूम होने पर आज भरी दोपहर में अचानक आग धमके तथा जनता की बात सामने देख आग बबूला हुए तथा ठेकेदारों सहित सभी कार्य कर रहे लोगों को फटकार लगाते हुए कहा कि मानक के हिसाब से जाल डालकर मजबूत बांध बनाए ताकि बाढ़ आने पर गांवों को कटने से राहत मिल सके। इसके बाद काशीपुर मल्लापुर में भी बाढ़ का जायजा लिया। यहां पे मैं पिछले वर्ष आया था तो लोगों के मकान कट रहे थे गांव, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और उन्होंने योजना 11 करोड़ रुपया स्वीकृत किया और यहां पे इतना घटिया क्वालिटी का काम हो रहा। मैंने ये देखिए, मैंने ये बोरी लगनी चाहिए जो है अधिकृत और ये बोरियाँ लग रही हैं जो लगने से पहले सड़ी, ये देखिए ये निकली जा रही जिनकी स्थिति, ये लगने से पहले आप लोगों ने देखा होगा। तो और जब गांव वाले कोई विरोध करता कुछ बोलता है तो ये लोग और उल्टा उनको प्रेशर में लेने का काम करते हैं। तो ये सब मेरे संज्ञान में आया है और मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा, इसकी कमेटी बनेगी, कमेटी से जांच होगी। जहां पे आवश्यकता है गांव कट रहा है वहां पे न काम करके किनारे पे काम करके आज जब इन लोगों को पता लग गया विधायक जी आ रहे हैं तो एकदम पूरी तरीके से मेंटेन किया गया है। और आज बाढ़ का दौरा कहाँ कहाँ पर किया है? मैंने आज रामपुर मथुरा से मेरी शुरुआत हुई, रामपुर मथुरा गोलो कोलर कोनी और कोनी के साथ निर्मल दास पुरवा और चहलारी घाट होते हुए मैं आपके यहाँ मेवड़ी चौराहा में तक पहुँचा हूँ। क्या हो यही हो तुम? तुमको सस्पेंड करा के छोड़ूंगा, तुम समझ लो तुम्हारी औकात मालूम हो जाएगी कितने पानी में हो। ये शराब लग रहा 11 करोड़, ये पूरे गांव गरीब आदमी कैसे रहता है मालूम है तुमको? ये कैसे पैसा स्वीकृत होता है इसको मालूम है? यही तुम लोगों ने पुराना पहली बार काम कराया, वही फिर एक दोबारा काम तुम्हारा चालू हो गया। दिमाग खराब है तुमको? हमारे मुख्यमंत्री जी गरीब की चिंता करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब की चिंता करते हैं। 11 करोड़ रुपया इन गाँव को बचाने के लिए दिया, लेकिन तुम लोगों ने ये सड़ी हुई बोरियां लगा करके ये देखिए लगने से पहले ही ये निपटी जा रही। क्या नाम है तुम्हारा? भोला प्रसाद जी। मैं तुम्हारे खिलाफ लिख करके दूंगा, कल मैं बताता हूँ तुम्हारी सब लोगों को पूरी तरीके से। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये दशा है? योगी जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री बैठा है तब तुम्हारी ये दशा है? अधिकारियों का दिमाग खराब है एकदम पूरी तरीके से।
एकदम लूट मचाए, गांव वालों को गरीबों को चुतिया समझ लगा। पूरी पूरी सड़ी हुई बोरिया, हम समझ रहे थे एक्सीजन क्यों भागा, इसीलिए एक्सीजन नहीं आया। आज दिमाग खराब है एकदम। ये देखिए लगने पहले एक बोरी खराब हो तो सारी सारी बोरियां खराब, पूरी 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 आ जाएगा तो दोबारा पैसा नहीं आने वाला। सब ये देखिए, अभी अभी पहले बोरी गायब, कुछ नहीं, सब फटी है, बोरी में दबाए नहीं। ये देखिए सब बगैर जाल की, बिना जाल की। टीवी ऑन इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। सीतापुर से चौथी बार सांसद बनने पर गुरुवार को राजेश वर्मा ने ग्रामीण इलाकों में जाकर चौपाल लगाकर जनता को बधाई देकर जनता का आभार व्यक्त किया। जगह जगह वर्मा का कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। मारू बहन, रामीपुर, कोंडर, खानी, हुसैनपुर, सिपतपुर, टेरवा, मनिकापुर, पारा, रामनगरा, भगवतीपुर आदि जगहों पर स्वागत कर लड्डुओं से सांसद को तोला गया। सांसद ने जनता का आभार प्रकट करते हुए सरकार की योजनाओं का बखान कर हर चुनाव की अपेक्षा कम लागत में चुनाव लड़ने, खुद को कम मेहनत करके चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव हमारा जनता ने लड़ा, ऐसा देश न रखकर कार्यकर्ता के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, पेंडिंग पड़े कार्य व जन कल्याणकारी योजनाओं को लाकर हर पहलू पर विकास किया जाएगा। इस मौके पर बापूचंद कुमार मिश्र, कृष्ण कुमार त्रिवेदी, रामेंद्र शुक्ल, राजन शुक्ल, शिवराय अवस्थी, मनोज गुप्ता, रमाकांत, राम केवल मौर्य, बैजनाथ निषाद, संग्राम सिंह कुशवाहा, बुद्ध सागर वाजपेयी, छोटेलाल कोटेदार, रामचरण, गोकर्ण यादव, शिव कुमार गुप्ता, लोकेश मिश्र, ब्रजेश मिश्र आज सैकड़ों समर्थक साथ में उपस्थित रहे। अब उन योजनाओं को हम विधिवत अभी आपके बीच में कह नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होगा आपको लगेगा कि संसदीय क्षेत्र सीतापुर सर्वांगीण विकास की तरफ अग्रसर है। ये आप सबसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करके अपनी वाणी को विराम दूंगा और पुनः आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए इतने कहना चाहूंगा कि जैसा प्यार स्नेह आशीर्वाद आपने चुनाव में दिया है, ऐसे ही 5 वर्ष तक ये आशीर्वाद प्यार देते रहें और उस आशीर्वाद प्यार से जो हमको ताकत मिलेगी वह ताकत इस संसदीय क्षेत्र में पूर्ण रूप से लगाने के लिए संकल्प लेते हैं और आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लगनी चाहिए, इस प्रकार का मेरा एक अभियान चलेगा, कोई घर विद्युतीकरण से वंचित ना रहे। शौचालय के नाम पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक रिकॉर्डेड शौचालय बनवा करके लोगों को स्वच्छता का एक बड़ा संदेश दिया है। आवास के नाम पर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद में आवास के नाम पर, विद्युत कनेक्शन के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना में, गैस के कनेक्शन में। टीवी इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। हरदोई सदर सांसद जयप्रकाश रावत ने अपने हरदोई आवास पर कार्यकर्ताओं व आम जनमानस से मुलाकात की व जनता की समस्याओं को सुन उनकी कुछ समस्याओं का तत्काल प्रभाव से निवारण किया व शेष समस्याओं का यथाशीघ्र निवारण करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर प्रदीप पाठक, सचिन शुक्ला, प्रियम मिश्रा, ऋतुराज त्रिपाठी, अमित त्रिवेदी, रानू, अंकित अवस्थी, बालाजी कैडर्स, छोटू बनिया, भगवान शरण गुप्ता आज लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। टीवी इंडिया न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई।